दोस्तों, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश जो कि एक आइसलैंड कंट्री माना जाता है साउथ एशिया का, तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ से बे ऑफ बंगाल से, एक तरफ अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम गोटाबाया राजपक्षा और प्रधानमंत्री का नाम महिंदा राजपक्षा, दोनों भाई हैं। अब जानते हैं देश के बारे में थोड़ा सा, फिर जानेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। बहुत ही आसान शब्दों में जरूर जुड़े रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, 2012 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार श्रीलंका में जो 74.9% है वो सिंहलीज लोग रहते हैं। इसके अलावा 11.2% श्रीलंकन तमिल्स हैं, 9.2% श्रीलंकन मूर्स हैं, 4.2% इंडियन तमिल्स हैं। यहाँ पे जो रिलीजन की धर्म की अगर हम बात करें तो 70.2% लोग बुद्धिज्म हैं, 12.6% लोग हिंदुइज्म को मानते हैं, और 9.7% लोग इस्लाम, और 7.4% लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। श्रीलंका की आबादी 2020 में के अनुसार एस्टिमेटेड जो है 2,21,00,000 के करीब है। इस वक्त जो श्रीलंका की हालात है, वहाँ के देश का नागरिक भले ही वो गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हो, सभी के सभी बच्चे से लेकर बूढ़ों तक का सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि देश में कमी हो गई है खाद्य पदार्थ। तो सिंपल चीज़ें होती हैं, दाल, चावल, आटा, दूध, चीनी, तेल, ये सब कुछ इतनी महंगा होगा, इतना महंगा हो चुका है कि लोग खरीद नहीं पाएंगे अब उसको। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल फ्यूल भी बहुत महंगा हो चुका है, जिस कारण लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारत में रहते हैं और ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से हिंदुस्तान को कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना मजबूत है कि जो भी जरूरत की चीज़ें हमको चाहिए होती है वो हम अपने ही देश में पैदा कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन श्रीलंका हर चीज़ के लिए बाहर के देशों में निर्भर है और वो इम्पोर्ट ही करता है खाने की चीज़ें भी। और दोस्तों, इम्पोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा रिजर्व अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व लगभग ख़त्म हो चुका है कि वो अब इम्पोर्ट भी करने के लायक नहीं है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ कि श्रीलंका में जो इकोनॉमी का 12 से 13% हिस्सा वहाँ के टूरिज्म से होता था। टूरिस्ट वहाँ इतने आते थे कि उसका इकोनॉमी में बहुत अच्छा योगदान रहता था। लेकिन अप्रैल 2019 में, जिसको कि ईस्टर डे बॉम्बिंग भी माना जाता है, श्रीलंका में 3 चर्चेस में और 3 होटल में बम धमाके हुए, जिसमें 269 लोग मारे गए, जिसमें 45 जो थे फॉरेनर्स थे। और जो ये बम धमाके किए थे वो इस्लाम एक टेरर एक ग्रुप था जो कि सिटीजन से श्रीलंका के ही 10 सुसाइड बॉम्बर्स ने ये धमाके किए थे, जिसका कि इफेक्ट टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। आगे मैं बताता हूँ कैसे कि 2018 में जो वहाँ पे डाटा निकाला गया, करीब 2 से 3 मिलियन टूरिस्ट वहाँ पे आए थे, लेकिन अप्रैल 2019 में इसके बाद टूरिज्म का आना लगभग बंद ही हो गया, क्योंकि इसमें जो 10 सुसाइड बॉम्बर थे वो इस्लामिक रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो अगले महीने, ठीक इस अटैक के अगले महीने बाद, श्रीलंका में मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस स्टार्ट हो गया। वहाँ पर जो बड़ी तादाद में, ज़्यादा तादाद में सिंहलीज लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग, उनका भी एक टेरर ग्रुप था, उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस शुरू कर दिया। तो देश में नफरती माहौल बन गया, दंगे होने लग गए, जिसके कारण गवर्नमेंट को टाइम टाइम पर कर्फ्यू लगाना पड़ा, चीज़ें बंद करनी पड़ी। और जो ये दंगे फैले और जो नफरत फैली, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया का था। जो सोशल मीडिया में हम अभी भी फेक न्यूज़ या वायरल वीडियोज़ देखते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान था इन दंगों के बढ़ने में। जिस देश में दो धर्मों के बीच में नफरत फैलेगा, दंगे होंगे, उस देश में कौन टूरिस्ट आना पसंद करेगा? तो एक बहुत बड़ा कारण ये था, आपस में नफरत का माहौल और दंगे। और दूसरा कारण ये कि वहाँ के राष्ट्रपति ने 2019 में ये सोचा कि मैं वैट को कम कर दूंगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिससे देश की आमदनी जाहिर सी बातें बढ़ेगी। ये बहुत सही चीज़ उन्होंने करी थी, लेकिन ठीक उसके बाद आ गया कोविड-19 2020 में। इस वजह से लोगों को लॉकडाउन में घर ही में रहना पड़ा और उनकी कंजम्पशन क्षमता में भी फर्क पड़ा और लोगों ने उतना कंज्यूम नहीं किया जो कि राष्ट्रपति जी ने सोचा था। इससे सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस उठाना पड़ा और पब्लिक डेब्ट बढ़ गया, क्योंकि नौकरियां बंद हो गई, लोग किस प्रकार पैसा देते, रेवेन्यू देते। लॉस और पब्लिक डेब्ट इतना बढ़ गया कि 2019 में वो 94% था टोटल GDP का और 2021 में 119% GDP का रहा। में इकोनॉमिक क्राइसिस का बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने पूरे देश को ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करने की सोची, इसलिए वो जो भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स अपने देश में बाहर देशों से इंपोर्ट करते थे, उन सब पे उन्होंने मनाही कर दी। ये ऑर्गेनिक जो शिफ्ट करने की सोची, ये बहुत अच्छा था, अच्छा विजन था, लेकिन इसके लिए उनको करीब 10 से 15 साल का समय चाहिए था,
लेकिन उन्होंने एकदम से सब कुछ बंद कर दिया और एकदम से आप ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाओ, ये संभव नहीं है। इंडिया में भी ऐसा हुआ है, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट अब घोषित हो चुका है, लेकिन उसने भी जो कोशिश करी थी उसको पूरे 15 साल लग गए थे। करीब 2003 में उन्होंने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक खेती का और 2016 में जाके एक छोटे से स्टेट में वो संभव हो पाया। तो एक छोटे से स्टेट में जब 15 साल लग गए हैं तो श्रीलंका में इसके लिए ज़्यादा समय चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति जी ने ऐसा नहीं किया, एकदम से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का ऑर्गेनिक तरफ ले जाने को सोचा, जो कि एक अच्छा कदम था, लेकिन ये बदलाव के लिए वक्त ये था जो वक्त श्रीलंका को नहीं मिल पाया। इसके अलावा कालाबाजारी, जो कि किसी भी देश का दुर्भाग्य होता है, जिसमें फूड के स्टॉक्स होल्ड करके लोग बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस रख लेते हैं, ये बहुत बड़ा कारण श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का रहा, कालाबाजारी। और दोस्तों सबसे मेन कारण जो है फॉरेन डेब्ट, जी हाँ, विदेश से जो आप कर्जा ले रहे हैं। 2017 में श्रीलंका का जो विदेशी कर्जा था वो $64 बिलियन था, जिसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू देश से के लोगों से लेती थी उसका 95% तो एक कर्ज को चुकाने में ही उसका चला जाता था, उसकी किस्त भरने में ही चला जाता था। 2020 में जो उसका फॉरेन डेब्ट रहा वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा था, $51 बिलियन। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा एक हमारा और पड़ोसी देश है चाइना, जो जानता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी देश प्रगतिशील की कगार पे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको वो कर्ज देता है। किस चीज़ के लिए कर्ज देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, आपके देश में पोर्ट बनाएगा, एयरपोर्ट बनवाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको कर्ज देता है। लेकिन जब वो कर्ज आप उसको नहीं चुका पाते या उसकी किस्त नहीं भर पाते तो अपनी ही प्राइवेट कंपनी द्वारा उन पर कब्जा कर लेता है। ये चाइना की पॉलिसी है और यही चीज़ श्रीलंका में भी हुई। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, श्रीलंका ने एक पोर्ट बनाया जिसका नाम हेम्बेटोटा इंटरनेशनल पोर्ट था। इसके लिए पहले उसने अमेरिका से ट्राई किया कि उसको कर्ज मिल जाए, अमेरिका ने मना किया। फिर उसने इंडिया से ट्राई किया कि उसको कर्ज मिल जाए, इंडिया ने मना किया और साथ में उसको ये भी बताया कि ये पोर्ट जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन लास्ट में श्रीलंका ने फिर चाइना से कर्ज लिया, चाइना वालों ने कर्ज दिया भी और ये पोर्ट बना भी, लेकिन उसके बाद जो रिपेमेंट करना था श्रीलंका वो नहीं कर पाए। तो करीब 70% इसका स्टेक एक चाइनीज कंपनी ने ही खरीदा जिसका नाम चाइनीज मर्चेंट पोर्ट। जुलाई 2017 में 99 ईयर्स की लीज पे ये चाइनीज कंपनीज को सुपुर्द कर दिया गया। श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू इतनी कम होती जा रही है कि पिछले साल मार्च में $1 जो था वो करीब 200 श्रीलंकन रुपीज़ के बराबर था, लेकिन अब वो बढ़ के 300 श्रीलंकन रुपीज़ के बराबर हो चुका है। तो इतनी इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण इकोनॉमिक क्राइसिस में है जब आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाए। तो अब हालात ये हैं कि दो भाई साहब राज कर रहे हैं, एक राष्ट्रपति है और एक प्रधानमंत्री है, लेकिन देश की जनता सड़कों पर है इन्हीं लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। जो उनकी आर्थिक नीतियां रहीं वो बहुत ख़राब रहीं, जिससे देश इतने गर्त में जा चुका है। और भुगत कौन रहा है? वही लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब लोग और मिडिल क्लास फैमिली। श्रीलंका ऐसा देश है कि जो सब कुछ इम्पोर्ट करता है तो इम्पोर्ट करने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं रहा, लेकिन हमारा पड़ोसी देश है, एक अच्छा देश है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्दी वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करें और दोबारा से अपनी पटरी पे लौट आए। श्रीलंकन गवर्नमेंट IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन और पैसा लेके अपने देश को दोबारा सही कागार पे लाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ जल्द से जल्द उनकी ये मुहिम पूरी हो और उनका देश इस आर्थिक संकट से जल्दी निपट सके। लेकिन जो भी कारण मैंने आपको बताया कि इस आर्थिक अंगानी में श्रीलंका क्यों गया, उससे हमको सीखना है। पहला कारण, जो वहाँ पे बम के धमाके हुए थे और उसके बाद नफरती दंगे फैले दो धर्मों के बीच में, ये किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण, आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के देशों में निर्भर ना रहें, अपने ही देश में चीज़ें पैदा करें और उसको अपने ही देश में प्रयोग करें, अपने ही देश में पैदा करके। इसमें हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम, मुझे मेड इन इंडिया काफ़ी पसंद है। अभी श्रीलंका के हालात ये हैं कि वहाँ बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा की जा रही है, खाने पीने के सामान ना के बराबर है, जितना है वो भी इतना महंगा है कि खाली अमीर ही लोग उसको खरीद सकते हैं, गरीबों का बुरा हाल है। हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन सर्जरीज बंद हैं क्योंकि दवाइयाँ नहीं हैं देश में मौजूद। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई भी देश गुजर सकता है अगर वहाँ पे नफरती माहौल पनपा और देश अपने आप पे निर्भर नहीं है किसी चीज़ के लिए।
हमें फख्र होना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री पे, जो जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी, हरित क्रांति की, और उस पे चलते हुए हमारा देश आज तक का ठीक है और भविष्य में भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि हमारे देश के किसान अभी मौजूद हैं जो इस धरती पे मेहनत कर रहे हैं और हमें सारी खाने की चीज़ें मुहैया कराते हैं। जय किसान, जय जवान। आते एक कारण और बता दूं, 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ, लेकिन जो उसने अपना खर्चा किया वो ज़्यादातर अपने देश की सिक्योरिटी को लेकर किया और डेवलपिंग पे कम किया। तो देश की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना भी श्रीलंका के लिए बुरा साबित हुआ। चाइना की ये पॉलिसी किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ख़तरनाक है कि अपने देश में डेवलपमेंट के नाम पे आप उनसे लोन लें और जब लोन आप वापस ना कर पाएँ तो चाइनीज़ कोई प्राइवेट कंपनी ही उस पे कब्जा कर लें। ये तरीका बहुत ख़तरनाक है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो अगर लोन लेते भी हैं तो उनको लोन वापस करने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसके लिए अपने देश की आंतरिक जो चीज़ें हैं उन इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथों डेवलपिंग कंट्रीज़ ना बिक जाए। चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, और दोनों देशों से हम संबंध अच्छे ही चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों देशों का भी भला हो, और लेकिन अपने देश का भला सर्वोपरि है। आम गरीब आदमी को खाने के लिए चाहिए चावल, दाल, रोटी, सब्जी, बनाने के लिए तेल, और इधर उधर जाने के लिए फ्यूल, घर में बिजली। ये चीज़ें जब महंगी हो जाएगी तो सोचिए उस देश का हाल क्या होगा और उस देश के लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हमारी सहानुभूति श्रीलंकन लोगों से पूरी तरह होनी चाहिए और जल्द से जल्द सभी देशवासियों को दुआ करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी फिर से अच्छे जीवन व्यतीत करने। भारतवासी होने के कारण हम सब हिंदुस्तानी जो हैं प्रेम स्वरूप हैं, और हम चाहते हैं कि श्रीलंका वापस से अपनी पटरी पे वापस आए और देश जैसे पहले खुशहाल था उसी प्रकार खुशहाली की ज़िंदगी व्यतीत करें। डेवलपमेंट के नाम पे कभी भी विदेशी कर्ज लेना किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है। 2-3 महीने पहले खबरें आ रही थी कि जब श्रीलंका के कुछ लोगों को लगा था कि देश गर्त में जा रहा है तो वहाँ से लोग भाग के रिफ्यूज के तौर पर इंडिया में आ रहे थे। जो मछुआरे समुद्र में रहते हैं उनको पैसा देके इधर आ रहे थे, और इंडिया एक प्यारा देश है जो कि रिफ्यूजीज को मदद करता है, लेकिन ऐसा ना हो। श्रीलंका अपने आप ही जल्द से जल्द इस इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस से जो जूझ रहा है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आसान शब्दों में जो मैंने आपको कारण बताए होंगे इसको आप समझ गए होंगे, और भविष्य में वो कारण अपने देश में हावी ना होने के लिए आप इस देश के नागरिक होने के कारण नफरती विचारों से, नफरती दंगों से बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने देश में पैदा करने की कोशिश करेंगे, किसानों की इज्जत जरूर करेंगे। जो पिछले कुछ महीनों में किसानों के ऊपर आरोप लगे थे, क्या क्या उनको कहा गया, इस चीज़ से बचेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।